ये मेथी का पौधा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसको अभी पानी की ज़रूरत है क्योंकि मिट्टी जो है काफ़ी अब सख्त हो चुका है और इसमें पानी चाहिए ही चाहिए। और इसमें अभी पूरा पानी भर दिया जाएगा, लबालब पानी भर दिया जाएगा, जिससे कि इन पौधों को आगे ग्रो करने में काफ़ी आसानी होगी और ये पौधे अपनी जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है वो ज़मीन से ले पाएंगे और पानी का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए जो भी आवश्यक भोजन है वो बना पाएंगे। और फिर ये बड़ी होंगी तभी तो हमें भी भोजन कराएंगे। मेथी एक बहुत ही सही चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मेथी जो है, इस पानी को सबसे पहले मैं इधर कर दूँ क्योंकि पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं पानी का इतना फोर्स है कि ये जो है किसी भी चीज़ को बहा सकता है। तो अभी इसमें पानी भरा जा रहा है और बेहतर होगा कि मैं पानी को यहाँ डालूं ताकि ये मिट्टी में गड्ढा ना करें। तो ये जो मेथी का पौधा है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि अगर आपके बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है आपके ब्लड में तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो है मेथी के और भी बहुत सारे उपयोग है, जैसे कि ये मधुमेह की बीमारी को भी रोकता है, साथ में ये बालों का गिरना, बालों का ब्लैक होना, इन सब चीज़ों को भी फ़ायदे पहुंचाता है। और मेथी के अनेक और भी फ़ायदे हैं, आप जाकर इसको गूगल पे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और मेथी एक ऐसा पौधा है कि जो कि मात्र 1 फीट का होता है, 1 फीट से भी छोटा होता है और ये भूरे रंग का होता है। और जैसे मेथी बड़ा होता है तो इसमें इसके फल भी आते हैं, फूल आते हैं, फूल के बाद फल आते हैं और वही फल जो है आगे चलकर एक मेथी का रूप धारण कर लेता है। और वो मेथी जिसका हम साग बनाकर भी खाते हैं और जब वो उसमें पुष्प आ जाते हैं और फल आ जाते हैं तो उसको हम मसाले के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ मेथी का एक बहुत बड़ा उपयोग ये भी है कि आप इसको जो है बहुत सारे औषधियों में इस्तेमाल होते हुए देखते होंगे। ये साबुन में और शैम्पू में भी मेथी इस्तेमाल होता है, वहाँ भी इसका गुण है। और मेथी जो है इतना फ़ायदेमंद है कि अगर आप शाम को मेथी भिगो दें और सुबह जब ये अंकुरित हो जाए और थोड़ा सा मेथी अगर आप खाया करें तो उससे जो है ये बहुत लाभ देगा आपको। इतना लाभ देगा कि आपके जो पेट में जो कब्ज का समस्या होती है वो भी दूर हो जाती है, जो आपकी न्यूट्रिशन बॉडी में चाहिए होती है वो भी आपको मिल जाती है, आयरन का कंटेंट इसमें आपको ज़्यादा मिलता है। तो ये मेथी के अनेक फ़ायदे हैं। तो आप देखिए जो है किस तरीके से ये पानी से लबालब होते जा रहा है और जो है थोड़ी ही देर में पूरा ये क्यारी जो है भर जाएगा पानी से। और ये क्यारी में लगाया जाता है जिससे कि इसमें पानी दिया जा सके, पानी दिया जा सके और ये पानी थोड़ा ज़्यादा लेता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस तरह के मिट्टी पर लगाया गया है। चूँकि ये मिट्टी थोड़ा सा बलुई मिट्टी है तो बलुई मिट्टी में जो है पानी बहुत चाहिए होता है, अदरवाइज़ पौधे जो है सूखने लगते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये मेथी हुआ है। तो ये सब मेथी के अनेकों फ़ायदे हैं और अनेकों इसके जो है उपयोग हैं। और मेथी भारत में जो है सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में आयुर्वेदा का कल्चर भी बहुत ज़्यादा है और आयुर्वेदा में ये चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही के रिसर्च में ये भी पाया गया कि मेथी जो है वेट लॉस के लिए भी होता है, क्योंकि जब आप मेथी का सेवन करते हैं तो ये जो है पेट आपका जो है थोड़ा सा भारी भारी सा लगता है, जिससे कि आपको खाने का मन नहीं करता है ज़्यादा। और जब ज़्यादा आप खाएंगे नहीं तो ज़्यादा आपके पेट में कैलोरी नहीं होती है और फिर जो है कैलोरी आपकी जो शरीर में होती है वो बर्न होती रहती है और उससे जो है आपका वेट लॉस भी होने लगता है। तो मेथी का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।